नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ बीतिया की दुर्गाबाग रोड स्थित वन विभाग के कार्यालय में। दरअसल VTR में जानवरों और इंसानों के बीच हो रहे संघर्ष पर विराम लगाने के लिए STPF नामक एक विशेष टीम का गठन किया जाना है, साथ ही साथ स्निफर डॉग्स भी मंगाए जाने हैं। इस पर हम विशेष जानकारी लेंगे VTR के CF कम फील्ड डायरेक्टर निशामणि सर से। तो हमारे बीच इस समय मौजूद हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के CF निशामणि सर। विशेष जानकारी हम सर से लेते हैं कि मानव और जंगली जानवरों के बीच में जो द्वंद्व चलते रहता है उस पर एक खास टीम का गठन किया जा रहा है, तो उस पर क्या वो जानकारी देना चाहते हैं सर? देखिए, जो हम लोगों का जो वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में जो बढ़ते टाइगर संख्या, साथ साथ जो अन्य वन्य जीवों की संख्या, जो खास करके जो है प्रे प्रेडेटर का जो है उसकी संख्या बढ़ती है, जो अच्छा से जो हम लोगों के हैबिटेट का काम होने के चलते, प्लस अच्छे मतलब ये प्रोटेक्शन रिजीम अच्छे होने के चलते इसकी संख्या बढ़ी हुई है। इसके कारण से जो हम लोग का जो मानव वन्यजीव के द्वंद्व का जो कुछ कुछ घटनाएँ आते रहती है उसके हम लोग काबू पाने के लिए हमारा जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हम लोगों का जो है हमारा वनकर्मी, हम लोगों का जो क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके मिला करके, हमारा वेटनरी डॉक्टर सब मिला करके हम लोग की एक त्वरित क्विक रिस्पॉन्स टीम हम लोग गठन किया गया है उन लोगों के लिए, मतलब खास करके कैसे इस तरह का जो घटनाओं के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए उसकी जानकारी है, तो उनको समय समय पर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस विषय पर हम लोग को 2 दिवसीय ट्रेनिंग भी हम लोग कराया गया था, उसमें जो बाहर के विशेषज्ञ बुला करके उनकी जो अनुभव का भी हम लोग शेयर किए हैं, साथ साथ जो भी हम लोगों के लिए जो इस तरह का जो खास करके जो शुगर कैन डोमिनेटेड लैंडस्केप में है, जो इसमें बहुत सारे समस्या आती है जो जानवर का जो मतलब आने के बाद यहाँ पे जो घना आबादी क्षेत्र में भी इसमें हम लोग के कार्य करने में जो कठिनाई हम लोग सामने करते हैं उसके लिए दूर करने के लिए हम लोग का 2 दिवसीय ट्रेनिंग भी हम लोग का आयोजन किया गया था। उसमें सभी वनकर्मी अंतिम पंक्ति कर्मी और दोनों का मतलब एक साथ बैठ करके जो चर्चा भी की गई है, उन लोग का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का हम लोग ट्रेनिंग भी कराया गया है हम लोग। अच्छा सर, जानकारी मिली है कि VTR में अभी बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए एक बेहद ही खास बात है, तो ये कितना सही है सर कि संख्या में बढ़ोतरी हुई है क्या बाघों की? नहीं सर, आपकी मतलब कहना के सही है, क्योंकि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में जो पहले के जो 10-15 साल का जो अगर आप आंकड़ा देखा जाएगा 2008 के बाद जो 8 टाइगर का हम लोगों का जो रिकॉर्ड हुई थी, अभी हम लोग 2018 सर्वे में उसके 33 टाइगर का हम लोगों का जो है रिकॉर्ड हुआ, अभी हम लोगों का जो 22 का जो सर्वे भी हम सेंसस कर चुके हैं उसकी, जो भारत सरकार द्वारा उसको एक साथ पूरा इंडिया का जो टाइगर का रिपोर्ट ये उसको प्रकाशित करते हैं, टाइगर का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, अभी लगभग 40+ टाइगर हमारा मौजूद है, जो इसमें कोई ऐसे ये नहीं है कि जो लगातार टाइगर की संख्या बढ़ रही है, तो ये बेहद ही खास बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद यही है कि VTR में बाघों की संख्या ऐसी ही बढ़ते रहे और जो स्पेशल टीम का गठन किया जाना है, गठन के बाद ये जो मुठभेड़ हमें देखने को मिलता है खास करके मानव और जंगली जानवरों के बीच में, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकता है। न्यूज़ 18 बेतिया के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।